जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दोहरे हत्याकांड में वांछित घोषित अपराधी को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नरेला पुलिस थाना में दोहरे हत्याकांड के एक घोषित अपराधी और मुख्य संदिग्ध विजेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पांचू बिगहा जिला अरवल बिहार निवासी 26 वर्षीय विजेंद्र कुमार इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद पिछले 3 वर्षों से फरार था। आरोपी की गिरफ्तारी NR अपराध शाखा द्वारा चलाए गए एक समन्वित अभियान के माध्यम से संभव हो पाई। आरोपी के ठिकाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले कांस्टेबल सुमित द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए भगौड़े को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर संदीप स्वामी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। सहायक पुलिस आयुक्त नरेंद्र सिंह की समग्र निगरानी में टीम में उप निरीक्षक सुखविंदर और प्रदीप दहिया, सहायक उप निरीक्षक सुनील और कुलभूषण, हेड कांस्टेबल राज आर्यन और कपिल और कांस्टेबल सुमित शामिल थे। टीम ने रणनीति बनाई और सिंधु बॉर्डर के पास एक जाल बिछाया जहां आरोपी को अपने दोस्त से मिलने की उम्मीद थी। इस प्रकार आरोपी को निर्धारित स्थान पर सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान जानकारी देते हुए आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपने साथियों अमन, राहुल, विकास, रवि आजाद, सनी और अंकित के साथ मिलकर नरेला इलाके में दोहरे हत्याकांड की साजिश रची थी। कथित तौर पर अपराध के पीछे का मकसद मृतक व्यक्तियों द्वारा उसके दोस्त की बहन को कथित तौर पर छेड़ना था। आरोपियों ने आगे कहा कि पीड़ितों पर लाठियों और लोहे की छड़ों से हमला किया गया जिससे उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि इस मामले में शामिल 6 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन विजेंद्र कुमार पकड़ से बचने में कामयाब रहा और पड़ोसी राज्यों में नौकरी करता रहा। गिरफ्तारी के समय वह पंजाब के लुधियाना में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत था। 10वीं कक्षा छोड़ने वाले विजेंद्र कुमार ने पहले 2017 में एक निजी कंपनी में पर्यवेक्षक के रूप में काम किया था। हालांकि उनके जीवन में एक अंधेरा मोड़ आया जब वह दिल्ली के नरेला में सिरका कंस्ट्रक्शन कंपनी में केयरटेकर बन गया और हत्याकांड में फंस गया। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज आपको बता दूं, जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम ने दोहरे हत्याकांड जो नरेला थाना में मामला दर्ज था उसी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसको जाल बिछाकर सिंधु बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया है इंस्पेक्टर संदीप स्वामी की टीम ने, जिसके पकड़े जाने से कहीं ना कहीं ये 3 साल से भगोड़ा था और इसके पकड़े जाने से ऐसे मामले कई हद तक रुकेंगे। मैं तिलक राज कैमरामैन अनुराग के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।